हाय दोस्तों, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डॉट इन में आपका स्वागत है। तो एक बार हम फिर से इंडेक्स की बात करेंगे कि आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो देखेंगे रिवर्सल आया था 19440 का लेवल आप लोगों को बताया गया था। आप देख सकते हैं, मैं चार्ट पे हाईलाइट कर रहा हूँ, वहीं से निफ्टी ने रिवर्सल लिया और अपसाइड एकदम एग्जैक्ट लेवल 19535 पे क्लोज हुई है। अब यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन कंफ्यूजिंग हो गई है कि अपसाइड जाएगी कि डाउनसाइड जाएगी, बट मोस्ट प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक रिट्रेसमेंट बनता है। रिट्रेसमेंट 485 तक का हो सकता है, 19485 में आपको लेवल हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। कल मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 19485 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग मार्केट देती है तो आपको 19440 का लेवल जरूर देखने को मिलेगा अगला, तो आप डाउनसाइड खेल सकते हैं 19485 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है। और अपसाइड देखते हैं तो 19580 का पहला लेवल होगा, अगर इसके ऊपर 15 मिनट की आपको क्लोजिंग मिलती है तो 19670 ये 1:2 के रेशियो का ट्रेड होगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड होगा अगर अपसाइड इसके ऊपर आपको 15 मिनट की दो क्लोजिंग मिल जाती हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। उससे अपसाइड और देखते हैं 19710, इसके अबाव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि निफ्टी हमें कल देखने को मिल सकती है। डाउनसाइड के लेवल एक बार फिर से बता देता हूं फर्स्ट हाफ में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट बेयरिश रहेगी। आज सारे दिन अप थी तो एक रिट्रेसमेंट बनता है मार्केट में, तो डाउनसाइड में 19485 जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं चार्ट पे भी हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और उसके नीचे 19440 अगर वो भी तोड़ देती है तो फिर मार्केट 19385 का लेवल होल्ड कर सकती है। इसके अलावा शेयर जो बताए थे आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं अपसाइड है, और UPL दूसरा, UPL भी अपसाइड है। दोनों पे नजर बनाए रखिएगा, अच्छे रिटर्न मिलेंगे इन शेयर्स में। आने वाले एक दो महीने में 8 से 10% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच।